महेंद्रगढ़ जिले के कुछ बड़े स्कूल है ना, कोई स्कूल को एक छोटा स्कूल आंकते हैं, लेकिन इस स्कूल ने बिहारी जी के उस दोहे को साक्षात करके दिखा दिया और उन लोगों के लिए कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखण में छोटो लगे घाव करे गंभीर। SRTR स्कूल ने जी लठगाड़ रखे हैं पूरे इलाके में। हाँ जो जी फेसबुक वाली बात कह दी है। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरजनवास में और SRTR स्कूल, अभी खेल चल रहे थे बच्चों के, जिसमें सभी जगह पे बात करें, चाहे वो अंडर 11 हो, चाहे अंडर 17 हो, अंडर 14 हो, यहाँ के बच्चे फर्स्ट सेकंड पोजीशन यहाँ पे लेके आए हैं। और सभी आप देख सकते हैं, सभी सम्मानित सदस्य इन बच्चों का सम्मान किया है और यहाँ बातचीत करेंगे क्या कुछ पोजीशन रही और क्या पूरा मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस ठीक है सर। तो कौन कौन सी पोजीशन रही, क्या पूरा मामला है? सर पोजीशन तो सारी SRTR की और करीना ब्लॉक की रही है अपनी, जिला स्तर की। बिल्कुल सर, अंडर 11 करके भेज रहे बच्चों को, जादू तो किया रहेगा? नहीं जादू नहीं सर, ये सब मेहनत का और सबके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही है सर। बिल्कुल जी। तो कौन कौन सी किस्म? सर अंडर 11 गर्ल्स सेकंड पोजीशन, अंडर 11 बॉयज सेकंड पोजीशन, अंडर 14 गर्ल फर्स्ट पोजीशन, अंडर 17 गर्ल फर्स्ट पोजीशन, अंडर 19 गर्ल फर्स्ट पोजीशन। कबड्डी में सारी कबड्डी में SRTR का दबदबा रहा है। और योगा में भी अंडर 19 में हमारी बेटी हेमलता फर्स्ट आई है, अंडर 17 में हिन्ना फर्स्ट आई है, अंडर 11 में भी और अंडर 14 में भी हमारे योगा में पोजीशन आई है सर जी। हर जगह आपका SRTR का ही नाम रहेगा सर। और कल तो आज आपने न्यूज पेपर देखा होगा जिसमें कनीना ब्लॉक का ही नाम रहा है सर। ये गेम RP स्कूल महेंद्रगढ़ और श्री कृष्णा स्कूल महेंद्रगढ़ में ही। हाँ जी, और गुरु द्रोणाचार्य स्कूल थे नारनौल में, उसी में हुए हैं सर स्कूल। तो सारे बच्चे गए थे अपने? हाँ जी सारे। हाँ स्पोर्ट्स में है जी, लगभग 67 मेडल आए हैं सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में। हाँ जी, और अपने जिले के मेजबानी आपका स्कूल करेगा, ये बड़े गर्व की बात है। बच्चे खेल में एक नंबर हैं। बिल्कुल सर, एक नंबर है सर। बिल्कुल, तो आज सम्मानित किया है। हाँ, इन बच्चों को सम्मानित किया है और मुख्य अतिथि जी भी हमारे बीच में आए हैं, ग्राम पंचायत सुरजनवास हमारे बीच में आए हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल है जी। जी सरपंच साहब कैसे हैं? बढ़िया साहब, क्या कहोगे? आपके गांव का स्कूल है और गांव का स्कूल है जी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करे, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और जो यहाँ पे इनके जो शिक्षक हैं वो भी बहुत मेहनत करवाते हैं जी। खेलों के साथ साथ पढ़ाई पढ़ाई में बहुत तगड़ा प्रदर्शन हुआ है इनका जी, दोनों चीजों में आगे हैं, तगड़ा जी, टॉप दोनों चीजों में। बच्चे जो देख रहे हैं, जो कहीं बाहर पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहोगे? आकर देखो जी, जब मेरे पाठक को या फिर मेडल देखो। हाँ मेडल देखो, आज बैठे हैं 60 मेडल कम थोड़ी ही जी। हाँ बढ़िया, बहुत तगड़ो प्रदर्शन है जी, बढ़िया काम, बढ़िया। विनोद जी अच्छा काम कर रहे हैं? विनोद जी देख लो, रिजल्ट देखो ना, हम कहाँ भाई लो सो कैसे ना, बढ़िया प्रदर्शन है। गांव के बीच में स्कूल होते भी इतना अच्छा करना लाजवाब, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। क्या कहोगे बच्चों को लेके आज? सर बच्चों को लेके देखो, बच्चों की मेहनत रंग लाई है, बच्चे मेहनत करते हैं और ओवरऑल चैंपियन रहे हैं। एक बात और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ जिले के कुछ बड़े स्कूल है ना, कोई स्कूल को एक छोटा स्कूल आंकते हैं, लेकिन इस स्कूल ने बिहारी जी के उस दोहे को साक्षात करके दिखा दिया और उन लोगों के लिए कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखण में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो जो बड़े स्कूल अपने आप को मानते थे ना, वो अपने घाव को सहन नहीं कर पा रहे, इनकी मेहनत, हाँ इनकी मेहनत के आगे सब बौने साबित हो गए। बस यही कहना चाहूंगा, आपने जो मंच दिया आपके चैनल को और आपके दर्शकों को, सबको धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहोगे? SRTR एक नंबर का स्कूल है जी, पढ़ाई में स्पोर्ट्स में, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दिन दिन रात चौगुनी तरक्की करता रहे, हम सब लोगों का जो भी सहयोग होगा हम इनके साथ करेंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं स्कूल में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम, नमस्कार जी। हाँ जी बढ़िया, कई मेडल बांट दिया आज तो। सभी बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं तो बिल्कुल पड़ोस में घर है जी, मैं तो देखता हूँ सुबह 5 बजे बच्चे आ लेते थे यहाँ खेलने के लिए। हाँ जी, और इतना तगड़ा प्रदर्शन मतलब किसी स्कूल की कंपेरिजन नहीं है। टीचर के साथ साथ बच्चे सभी मेहनत, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक बात सही है? हाँ सही बात है सर, सही है। स्कूल ठीक है? स्कूल बढ़िया स्कूल जी, पढ़ाई में भी स्पोर्ट्स में जी। भाई साहब क्या? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन करा। और स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता, इसके मेहनत का है सब कुछ। जो हमारे कोचिज खड़े हैं और जो चेयरमैन साहब ने जो मेहनत करवाई है, उसी का नतीजा है कि आज 60 मेडल एक स्कूल से आना, वो भी महेंद्रगढ़ में, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कूल है कि उनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन वो सब बोने साबित हुए।
तो मैं सबको फिर दोबारा बधाई देना चाहता हूँ और कोचिज को भी शुभकामनाएं देता हूँ और पंचायत की तरफ से मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे लायक अगर कोई काम हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इनके साथ। जी भाई साहब कैसे हो? बढ़िया भाई साहब। तो आज बच्चों को देख के खुश हो गए? बहुत ज्यादा खुश हुए। गांव का स्कूल और ऐसे मेडल, बहुत ज्यादा मेडल लाए बच्चों ने। क्या कहोगे सर कि यार बच्चे चेयरमैन स्कूल सब कुछ एक नंबर है, फर्स्ट क्लास सब कुछ। सुरजनवास गांव एक नंबर हो गया, बहुत ज्यादा बिल्कुल। पंचायत पूरी सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल पूरी सपोर्ट कर रही है पंचायत। जी भाई साहब नमस्कार जी। क्या कहोगे स्कूल के लिए? SRTR स्कूल ने जी लठगाड़ रखे हैं पूरे इलाके में। फेसबुक वाली बात कह दी है? हाँ जी बिल्कुल, लठगाड़ रखे हैं और कोचेज ने और विनोद सर जी ने बहुत मेहनत कर रखी है बच्चों की, इतना आगे चाहे शिक्षा क्या हो चाहे खेल कूदों में सबसे आगे SRTR की आज नाम है इलाके में, पूरा नाम कर दिया, पूरा इलाके में नाम कर रखा है जी। और इतने 60 मेडल कोई ऐसे खेलते है नहीं, मेहनत से आए हैं बिल्कुल जी। छोटा सा स्कूल है और मेहनत इतनी ज्यादा है, रिजल्ट भी हमेशा टॉप आता है। टीम तो जी ऐसी थी जिसने वो 36-0 से अगली टीम का खाता ही नहीं खुलने दिया था जी। लड़कियों ने मेहनत ज्यादा, हाँ अंडर 14 की टीम थी, बढ़िया टीम। अच्छा कैसे हो सर जी? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। कैसा लगा स्कूल में आए? स्कूल में आए बहुत अच्छा। अपने वाले दिन याद आए? अपने वाले दिन तो क्या याद आए कि हम जब पढ़ते थे तो खेलों का नाम ही नहीं था उस टाइम। तो मैं एक कहना चाहूंगा कि मेरे साथ एक लड़का था जिसका कुक का नाम था, वो एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने गया था तो फर्स्ट पोजीशन आया था। आज भी जब हम मिलते हैं तो ये कहता है कि आपा दोनों गया था, मैं फर्स्ट आया था। तो ये बच्चे तो अभी केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और ओलंपिक में खेलेंगे तो कितना नाम रोशन स्कूल का करेंगे। केवल एक ग्रामीण अंचल का स्कूल है, इसमें इतनी प्रतिभा आज देखने को मिली, दिल बहुत ही खुश हुआ। और आगे भी हम आशा करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले, स्टेट लेवल पर खेले, नेशनल लेवल पर खेले और विद्यालय और जिले और हरियाणा सरकार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत। तो भी SRTR स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ हैं, लोगों ने जो आज यहाँ पहुँचे बच्चों को सम्मानित किया, बड़ी बड़ी बातें कही। सर से बात करते हैं कि क्या चाहते हैं आने वाले समय में, क्या SRTR के बच्चे ही ओलंपिक में जाएंगे? जी नमस्कार सर। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या कहोगे एक साथ 60-60 मेडल बांटना स्कूल में? देखो पिछली बार भी आप जब मेडल लेके आए थे तो आप आए थे, आपने विजिट किया था और अब की बार मैंने पिछली बार भी कहा था कि नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। ये केवल ही केवल जो स्टूडेंट हैं, जो खिलाड़ी हैं और उनके साथ जो उनके द्रोणाचार्य हैं, कोचिज हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है। ये न केवल महीने दो महीने की प्रैक्टिस है, पूरी साल लगातार प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद इतना ये रिजल्ट दे पाते हैं। 5 बजे बच्चे आ जाते हैं? बिल्कुल 5 बजे। जून का जो महीना होता है स्कूलों की सभी की छुट्टियां हो जाती है, लेकिन हमारे डीपी सर ने राकेश जी ने बच्चों को नहकेल सुरजनवास के मेघनवास से चितड़ांग से देवास से यहाँ तक कि मुंडिया खेड़ा के बच्चे, हाँ बिल्कुल उनके पेरेंट्स भी उनको छोड़ के उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और इतनी मेहनत के बाद ये परिणाम आ पाया है, पूरे महेंद्रगढ़ जिले में 60+ मेडल आपका विद्यालय लेके आए हैं, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाम हो गया SRTR। हम डिस्ट्रिक्ट में आगे जब ये बच्चे राज्य स्तर पर खेलने जाएंगे तो वहाँ भी नाम करके आएंगे आने वाले समय में ओलंपिक में बच्चे SRTR। देखो हम प्रयास कर सकते हैं, बच्चों को जो प्लेटफॉर्म की जो जरूरत है हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चे मेहनत करेंगे उनके साथ उनके टीचर्स मेहनत करेंगे। मतलब पढ़ाई में तो आगे थे, रिजल्ट पढ़ाई में बिल्कुल पीछे। जब रिजल्ट आया जब भी 10th क्लास में 25+ मेरिट थी और प्लस 2 क्लास में भी 100% रिजल्ट था, 15 बच्चे ऐसे थे जिनके अब 95 से। स्पोर्ट्स में भी 100% रिजल्ट? देखो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा मेन मोटो जो हमारा स्कूल है शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कार, और जब बच्चे का स्वास्थ्य ऑटोमेटिक है तो शिक्षा में भी उसका मन लगेगा, स्पोर्ट्स में भी आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी बेटा क्या नाम आपका? हेमलता है सर। तो आप योगा में? यस सर। कैसे प्रैक्टिस हुई स्कूल में? सर डेली सर हमें सुबह सुबह 5 बजे बुला लेते थे, जो उनकी छुट्टियों में भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आते थे और सर ने भी काफ़ी मेहनत की हमारे साथ, तभी हमें ये सफलता मिली है। स्कूल पूरा सपोर्ट कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा टीचर्स की बात करें? नहीं सर, टीचर्स भी सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अच्छा पढ़ाते भी हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करवाते हैं सभी। अच्छा फर्स्ट पोजीशन रही आपकी? यस सर। तो अभी आगे स्टेट लेवल पे? स्टेट लेवल के लिए सर। उसके लिए तैयारी और ज़्यादा करनी पड़ेगी? यस सर, अभी और ज़्यादा तैयारी करनी स्टार्ट कर रखी है हमने भी। तो स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों की बात करें स्कूल सबसे आगे लग रहा है? यस सर। अच्छा लगता है स्कूल? यस सर, स्कूल काफ़ी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे हो? बढ़िया सर, नमस्कार। आपने तो जून में भी छुट्टियां नहीं की है? हाँ सर, सुबह 5 बजे आ जाते थे? हाँ 5 बजे बच्चे आ जाते थे। पूरी मेहनत करवाई? पूरी 5 बजे बच्चे यहाँ जाते थे, 5 बजे के बाद 7 बजे तक मेहनत, उसके बाद यहीं अपना नाश्ता पानी लेके यहीं प्रैक्टिस स्कूल में अपनी क्लास लेते थे। पूरी मेहनत करवाई? हाँ पूरी मेहनत करवाई। मेहनत का फल आया? हाँ मेहनत का फल
बढ़िया है जी, बढ़िया है। हाँ, और आगे भी बढ़िया आएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, बच्चे मेहनती हैं आपके? बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है। इतनी मेहनत कोई भी स्कूल नहीं कराता जितनी मैंने कराई है, तभी रिजल्ट आया। हाँ ये है जी, कोई भी स्कूल लगा लो, कोई भी कोच लगा लो, सुबह कोई भी 5 बजे उठ के ग्राउंड में, सुबह 6 बजे कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, पूरे दिन पूरे सुबह 5 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक यहीं रहते। तो स्कूल पूरा सपोर्ट करता था? पूरा, विनोद सर तो हद से ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हद से ज्यादा समर्पित हैं। हाँ, समर्पित हैं जी। जी मैडम, क्या कहोगे बच्चों को लेके? सर, हम बच्चों की नींव जो है वो मजबूत बनाते हैं, और हमारे SRTR के बच्चे कहीं भी मार नहीं खाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले। और हमारी बैकबोन हमारे चेयरमैन सर, हमारे प्रिंसिपल सर, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, और साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स, जब भी उनको बोला जाता है वो हमेशा तैयार रहते हैं कि वहाँ बच्चों को भेजना है, वो तुरंत भेज देते हैं सर। और हमारे कोचेज है, ग्राउंड में मेहनत करते हैं, सोचते नहीं है, लग जाते हैं काम। हाँ जी सर, और हम बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट देते हैं सर, ये नहीं कि बच्चा एक क्षेत्र में जा रहा है, नहीं, जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम बच्चों को लेके जाते हैं। हार जीत डजंट मैटर सर, बस बच्चे पार्टिसिपेट करें और अपना अच्छा करें। हाँ जी, और हमारे सर भी एक ही बात कहते हैं, आप खेलने जाओ, आप कहीं भी जाओ, अपना बस अच्छा दो, बेस्ट दो, 100% दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, नमस्कार। जी, कैसे हैं जी? बहुत बार बिल्कुल खुश। तो आज तो डबल खुश हो गए होंगे। खुश, सदा खुश रहते हैं हम, खुश रहते हैं हम, खुश रहते हैं तो बच्चे खुश रहते हैं। क्या कहोगे? सकारात्मक सोच के साथ, आपने देखा पिछले दिन रिजल्ट का, और कल जलवा देखा बच्चों का, खिलाड़ियों का, जो टूर्नामेंट श्री कृष्णा स्कूल में हो रहे थे, वहाँ पत्रकार महोदय पहुंचे हुए थे फाइनल मैच में, फाइनल मैच को 5 बार रुकवाना पड़ा। अच्छा जी। बार बार कहना ये फर्जी। हमारे जो ऑफिशियल स्टाफ है बहुत जबरदस्त है, उनको मैंने कह रखा है कोई फर्जीवाड़ा नहीं चाहिए, एक नंबर के खिलाड़ी खिलाओ, उसके बदौलत, खिलाड़ियों और कोचिज की बदौलत हमने सब मेडल आपके सामने आज दिखाई लाकर। बच्चे मेहनत पूरा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, स्टाफ बहुत मेहनत करता है, खेलों में भी पढ़ाई में भी बहुत मजे होगी। RTR ने लठ गाड़ दी, जो मेरे फाउंडर मेंबर का सपना था श्री लाल सिंह जी का, उसको हम साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा आपने देखा SRTR स्कूल में आज हम मौजूद हैं, और यहाँ बच्चे 60 से अधिक मेडल लेके आए हैं, और किसी भी क्षेत्र में SRTR के बच्चे पीछे नहीं है। पढ़ाई के मामले में रिजल्ट आए तो आगे, और अब खेलों की बात आई तो सबसे आगे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं कि ऐसा किस स्कूल में या कहाँ पे हो रहा है। SRTR के बच्चे अगर अच्छे लगें और रिजल्ट अच्छा लगे तो एक बार विजिट करके देखिए, और इस प्रकार के अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।